हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का, आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है रैंडॉल्फ द रेंडियर, यानी रैंडॉल्फ नाम का एक हिरन रहता है, उसके बारे में यह स्टोरी। आइए देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। रैंडॉल्फ वॉज अ रेंडियर, रैंडॉल्फ नाम का एक रेंडियर रहता है। ही वॉज वेरी शाई, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला रहता है। द अदर रेंडियर ट्रॉटेड थ्रू द ट्रीज, जो और भी हिरन रहते हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, ट्रीज के अंदर चले जाते हैं काफ़ी तेज़ी से। दे लिफ्टेड देयर हेड्स, वो अपने सरों को उठाते हैं। एंड टॉस्ड देयर एंटलर्स फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने एंटलर्स यानी अपनी सींगों को साइड टू साइड उठाते हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा गोट को या बफेलोज को, ये अपने सींग को ऐसे राइट से कभी लेफ्ट से ऐसे उठाते हैं। ठीक है, रैंडॉल्फ स्टूड क्वाइटली, रैंडॉल्फ काफ़ी शांति से खड़ा रहता है। ही पुट हिज हेड डाउन एंड निम्बल सॉरी हिज हेड डाउन एंड निम्बल द लिटिल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड, वो अपने सर को झुकाए रहता है और वो प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको वो खाता है। ठीक है, यू आर टू शाई रैंडॉल्फ, शाउटेड द अदर रेंडियर एज दे प्लेड इन द वुड, जो दूसरे रेंडियर होते हैं जो खेल रहे होते हैं वो रैंडॉल्फ से कहते हैं कि रैंडॉल्फ तुम बहुत ही शाई हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हो। बी अ शो ऑफ लाइक अस, तुम मेरी हमारी तरह बनो, ये कौन कहता है, ये दूसरे डियर रैंडॉल्फ से कहते हैं। बट रैंडॉल्फ वेंट ऑन निबलिंग द स्मॉल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड, ही डिड नॉट लुक अप, लेकिन रैंडॉल्फ उन लोगों को इग्नोर करता है, सुनता नहीं है, सुनता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है, वो अपने सर को उठाता नहीं है, वो निबलिंग करता है यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स रहते हैं ग्राउंड पर उसी को खाने में वो लगा रहता है। ही डिड नॉट लुक अप, वो ऊपर उठाता ही नहीं सर, ना ही ऊपर वो देखता है। फार अवे ही कुड हियर सम चिल्ड्रन, कुछ दूरी पे, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे वो कुछ बच्चों को सुनता है, सुन रहा होता है। दे वर शाउटिंग एंड प्लेइंग, वो चिल्ला रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, जैसा कि बच्चे जब भी खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते भी हैं और चिल्लाते भी रहते हैं उसी में। ठीक है, आप लोग भी करते होंगे। दे वर स्लाइडिंग डाउन द स्नोवी हिल साइड, वो स्नोवी हिल साइड में जहाँ बर्फीली हिल साइड थी, इलाका था, वहाँ पे वो स्लाइड कर रहे थे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन, सेड रैंडॉल्फ, बट आई एम टू शाई, रैंडॉल्फ कहता है कि मैं उन लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्या हूँ, शाई हूँ। ठीक है, रैंडॉल्फ बिगेन टू निबल द लिटिल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड, रैंडॉल्फ इसे शुरू कर देता है निबल करना जो ग्राउंड पर प्लांट्स होते हैं। सो ही फाउंड सेवरल थिंग्स ऑन द ग्राउंड, फिर उसको ग्राउंड पर कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो क्या चीज़ें रहती हैं, फर्स्ट ही सॉ वूलन हैट, उसको एक वूलन हैट मिलती है यानी कि गर्म टोपी होती है जो ठंडियों में पहनी जाती है। नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन, उसको दस्ताने मिलते हैं जो हाथ में पहनते हैं। देन अ लॉन्ग स्कार्फ, एक उसको लॉन्ग स्कार्फ मिलता है जो कान में पहना जाता है ठंडी में। ऑल एट वंस रैंडॉल्फ नोज बिगिन टू ट्विच, फिर रैंडॉल्फ की नोज जो होती है वो अटने लगती है, मतलब कि वो सूंघने लगता है चीज़ों को, कि देखा, मतलब कि उसको लगता है कि हाँ कुछ और भी है। ही हेल्ड हिज हेड हाई एंड बिगिन टू लुक अराउंड, वो अपने सर को उठाता है और अपने आसपास देखने लगता है। ही सॉ अ लिटिल बॉय लाइंग बाय द साइड ऑफ द स्लेज, वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी स्लेज जिससे वो स्लाइड कर रहा था उसी के बगल में वो लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। द बॉय ले ऑन द ग्राउंड नियर ट्रीज, जो बॉय रहता है, जो लड़का रहता है, वो एक ट्री के, एक पेड़ के पास लेटा रहता है, पड़ा रहता है। ही लुक सैड, वो काफ़ी सैड लग रहा होता है। आई कॉन्ट वॉक, आई हैव हर्ट माई लेग, द लिटिल बॉय क्राइड, जो बच्चा लेटा पड़ा हुआ रहता है अपने स्लेज के बगल में, वो कहता है कि मैं चल नहीं सकता, मैं अब चल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा पैर अभी बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, मेरे पैर में चोट लग गई हुई है, चिल्लाते हुए वो छोटा बच्चा कहता है। रैंडॉल्फ नेल डाउन, रैंडॉल्फ अपने पैर को झुका के बैठता है। द लिटिल बॉय स्लिप्ड हिज आर्म्स, जो छोटा सा बच्चा जो जिसको चोट लगी रहती है अपने आर्म को ऊपर स्लिप करता है। राउंड द रेंडियर्स नेक, अपने उस हिरन की नेक पे, उसकी गर्दन पे, एंड क्लाइम्ब ऑन हिज बैक, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। वेरी सून ही वॉज बैक होम सेफली, ही थैंक्ड रैंडॉल्फ, और बहुत ही जल्द जो बच्चा जिसको चोट लगी रहती है वो अपने घर बहुत ही सेफली, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से वो पहुँच जाता है और वो रैंडॉल्फ को थैंक कहता है, थैंक्स कहता है। ठीक है, यू आर अ हीरो, सेड द लिटिल बॉय,
और क्या कहता है रेडिल बॉय कि तुम एक हीरो हो। दिस मेड रैंडॉल्फ सो प्राउड दैट ही लिफ्टेड हिज हेड एंड टॉस्ड हिज एंटलर्स फ्रॉम साइड टू साइड जस्ट लाइक द अदर रेंडियर। फिर जब ये सुनता है कि वो एक हीरो है, कौन रैंडॉल्फ जब सुनता है उस लिटिल बॉय से कि वो एक हीरो है, तो वो अपनी हेड को उठाता है और टॉस करता है, यानी कि उछालता है अपनी सींगों को साइड बाय साइड, जैसे वो पहले जो रेंडियर थे, जो हिरन थे, वो अपने सींग को उछाल रहे थे, कह रहे थे कि रेंडियर तुम भी हम लोगों की तरह बनो, हम लोगों की तरह करो। लेकिन रैंडॉल्फ तो बहुत शाय रहता है, लेकिन जब बच्चा कहता है यू आर अ हीरो, तुम एक हीरो हो, तो रैंडॉल्फ वैसे ही करता, अपने सींगों को साइड बाय साइड उठाता है, उसको उछालता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।